वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पवित्र वीर सिंह आप सब का स्वागत करदा सुरखा मीडिया से। अज जिहड़े टॉपिक ते मैं वीडियो लैके आया, मैनू नहीं पता कि एक टॉपिक कईयां नूं पसंद आऊगा कईयां नूं नहीं आऊगा। मसला धार्मिक है, मसला सिखी दा है। मसला की है, अजकल जिवें साडे पंजाब दे नौजवान, साडे सिख परिवारां दे नौजवान पतित हो गए ने, नशे करन लग पए ने, जां होर भी अलामतां दा शिकार ने। सो अज आपां गल करांगे कि ये नौजवान जिहड़े ने पतित हो गए ने जां ये नशे करदे ने, ये सिखी तो दूर हो चुके ने जां इहनां दी वापसी हो सकती है। असल दे विच जे आपां सोचिए, शेर दा बच्चा हुंदा है, वह हमेशा शेर रहिंदा है। जे दसम पातशाह दा खून साडियां रगां 'च चल रिहा, बेशक ये नौजवान पतित हो चुके ने, राहों भटक चुके ने, नशे भी करदे ने, पर जदों कितें गल सिखी दी आउंदी है, सिख सिद्धांतां दी आउंदी है, भावें वह किसी मोर्चे की गल होवे, भावें वह किसी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला होवे, भावें किसी सिख शहीदां दा मसला होवे, ये नौजवान मोने ने नशे करदे ने, पर फिर भी ये दस्तारां सजा के सिरां ते पीले परने केसरी परने बन के सिख नौजवानां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़दे ने। संत करतार सिंह एक वारी बंबे गए, उत्थे किसी सज्जन ने कहता उन्होंने कि बाबा जी देखो पंजाब दे नौजवान पतित हो गए, नशे करन लग पए आ, जां होर इहो जिहियां गल्लां करन लग पए आ। तां संतां ने जवाब दिता कि गुरसिखा इन्हां दी चिंता ना कर, ये गुरु गोबिंद सिंह दे पुत आ, शेरां दे पुत हमेशा शेर रहिंदे आ, लोड़ पई ये कौम दे कम आउणगे। ते अजिहा ही होया, जदों सिख संघर्ष चलिया, धर्म युद्ध मोर्चा चलिया, ये नौजवान ये मोने सी ये दस्तारां सजा के आ गए, इन्हां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां, इन्हां ने पंथ दुखियां दे सोधे लाए। गल करिए जिंदा सुखा भाई दिलावर सिंह वर्गे जां बहुत सारे नौजवान जिहड़े सिरों मोने सीगे, पतित सीगे, भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जिवें कहिंदे कि बदमाशी करदा हुंदा सी अमृतसर खालसा कॉलेज, पर जदों गुरु की मेहर हुंदी आ, शेर दा पुत आ, अखीर शेर वाला उरे च विहार आ ही जांदा, उहनूं लगदा कि मेरे प्यो ते किसी ने उंगल चुकी आ, मेरे धर्म ते किसी ने हमला कीता, वो आ के डट जांदा अपने धर्म दे विच। सो इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा सोचना चाहीदा, खास करके साडे प्रचारक, क्योंकि मैं जरूर कहूँगा कि साडे प्रचारकां ने इन्हां नौजवानां नूं जिहड़े मोने हो गए ने, घोने मोने हो गए ने, इन्हां नूं सिक्खी तो दूर लिजाण दे विच बहुत वड्डा जिम्मेवारी साढ़े प्रचारकों की हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग साढ़े तो ज़्यादा पिंडां 'च रहिंदे ने, पिंडां 'च गुरमत समागम हुंदे आ, तां जदों कोई समागम हुंदा तां ये नौजवान मोरली कतार 'च बहिंदे हुंदे सी, पर साढ़े प्रचारकों ने एक हिसाब नाल इन्हां नूं ताने मिणे ऐसे देने शुरू कर दिते, ये मोरली कतार तों बिल्कुल पिछे चल गए, तो हौली हौली ये समागमां दे विच आउणा ही छड्ड गए। सो ये जिम्मेवारी साढ़े प्रचारकों की सीगी कि उन्होंने इन्हां नूं गुरु नाल जोड़ना सी, इन्हां नूं टुट्टियां नूं गुरु दे राह पाउणा सी, पर उन्होंने इन्हां नाल ऐसे जी घिरणा कीती, नफरत कीती, ये गुरु तो बेमुख चलो होए सी, मोने हो गए, नशे करन लग पए, पर जिहड़ी उन्हां दी वापसी दी उम्मीद सी वह भी इन्हां प्रचारकों ने काफ़ी घटा दित्ती। हालांकि हुण दे समें नवें प्रचारक जरूर इस पासे ध्यान दे रहे ने, साडे नौजवानां दे विच दस्तारां सजाउण दा रुझान शुरू होया, साडे नौजवान पंथक मसलियां ते सोचण लग पए ने, विचारां करन लग पए ने, ये साढ़े ही नौजवान ने, साढ़े भरा ने, जदों कितें कोई मोर्चा लगता है, कोई संघर्ष की गल शुरू हुंदी है, ये मोने नौजवान सिरां ते दस्तारां सजा के केसरी परने बन के मोटरसाइकलों पर निशान साहब ला के साढ़े नाल खड़े हुंदे आ। सो इन्हां नूं तोड़न की नहीं, इन्हां नूं नफरत करन की नहीं, घिरणा करन की लोड़ नहीं, इन्हां नूं गलवकड़ी 'च लैण की लोड़ आ। साढ़े प्रचारकों नूं यह सोचना चाहिए कि असीं इन्हां नूं बाकियां वांग ट्रीट करके इन्हां नूं अपने नाल जोड़िए, गुरसिक्खी दे राह पाइए। बहुत सारे नौजवान ने धर्म का जज्बा रखते ने, सिखी का जज्बा रखते ने, पर जिवें एक गीत आया सी भी भटक गए ने भावें गभरू, एक दिन फिर मुड़ आउणगे मुख होने आनंदपुर वल नूं, चढ़दी कला दे गीत गाउणगे। ये चढ़दी कला पंथ की हमेशा हुंदी है ते हुंदी रहनी है, ये जे चले गए ने ये वापस भी आउणगे, शेरां दे पुत ने, शेरां 'च ही रहणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।